ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का युवक अजय कोहली प्रदेश नंगे पैर एक विशेष लक्ष्य लेकर घूम रहा है। अजय चाहता है कि वो बचपन देश के चौराहों पर भीख मांगता और होटल ढाबों में बाल मजदूरी करता नजर नहीं आना चाहिए। वो ये काम छोड़कर पढ़ाई करे और देश के विकास के लिए कोई योगदान दे, इसलिए वे भारत देश के हर प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है ताकि बच्चों से भीख ना मंगवाई जाए और उन्हें पढ़ने का समय दिया जाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का युवक अजय कोहली प्रदेश में नंगे पैर एक विशेष लक्ष्य लिए घूम रहा है। अजय चाहता है कि जो बचपन देश के चौराहों पर भीख मांगता और होटलों ढाबों में बाल मजदूरी करता नजर आता है, वह ये काम छोड़कर पढ़ाई कर और देश के विकास के लिए योगदान दे, इसलिए वह भारत देश के हर प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि बच्चों को भीख नहीं बल्कि पढ़ाने की सीख दें, उनसे बाल मजदूरी ना करवाएं बल्कि उन्हें पैरों पर खड़े करने के लिए उनकी शिक्षा में सहायक बने। अपने इसी अभियान में अजय हिमाचल के सोलन शहर में भी नंगे पैर यहां आए और जहां उन्होंने सोलन के रेलवे स्टेशन और बाजार में शहर वासियों खास तौर पर युवाओं को भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के बारे में जागरूक किया। अजय कोहली ने बताया कि उन्होंने ये यात्रा 2015 से आरंभ की थी और अब तक वे 9 प्रदेशों और 101 शहरों में पैदल नंगे पैर यात्रा कर देश के 3.47 लाख नागरिकों को जागरूक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे अब तक 14,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा देश में बाल मजदूरी ना करे और ना ही वे भिक्षावृत्ति की दलदल में फंसे। अजय ने कहा कि वे अकेले इस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, इसलिए वे प्रदेशों में जाकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं ताकि देश के बच्चे भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से बाहर निकल सके। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ये है कि वे 2021 तक समूचे भारत का भ्रमण करें। मेरा नाम अजय ओली है और बेसिकली पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ और मेरा मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट और मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स है। पढ़ाई मैंने अपना IHM लखनऊ से किया है और उसके बाद अभी 2015 से एंटी चाइल्ड बैगिंग और चाइल्ड लेबर पे बेयर फुट वॉक कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अभी तक 14,000 किलोमीटर से ऊपर का पैदल यात्रा कर चुका हूँ और नियरली 87,000 किलोमीटर के आसपास का ऑल ओवर जर्नी किया है, जिसमें कि 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया और नियरली 101 सिटीज़ अभी तक कवर कर चुका हूँ। जो बेसिक उद्देश्य है इसको करने के पीछे वो ये है कि बच्चों को भिक्षावृत्ति और बालश्रम से बाहर निकल कर उनको एजुकेशन से जोड़ने का कोशिश है और बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो लोकल यूथ है, लोकल पब्लिक है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करे। आज अभी सोलन में हूँ, हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहिब से शुरू किया था। सोलन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, संडे होने के बाद भी, बारिश होने के बाद भी ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लोग भी काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं, जिनसे भी जाके बात कर रहा हूँ। बेसिकली यूथ से कोशिश है कि बात करूँ और उनको समझाऊँ, तो कनेक्टिविटी चाहिए होता है वो बन रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ऐसी चीज़ें नहीं भी हैं, तो जितना भी हैं वो भी ख़त्म करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। और 2015 से शुरू किया था तो 2021 तक पूरा का पूरा इंडिया कवर करना है, ऐसा उद्देश्य रख के अभी काम कर रहा हूँ और नियरली 3,47,000 लोगों को अभी तक ऐसा प्लेच करवा चुका हूँ कि भीख नहीं देंगे, भिक्षा नहीं शिक्षा देने का एक प्रोग्राम है जो चल रहा है और उन्मुक्ति सुनहरा बचपन है ये कार्यक्रम पूरा का पूरा, जिसके माध्यम से ये कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली 2021 तक 800,000 लोगों तक ऐसा प्लेच करवा के इंडिया को चाइल्ड बैगिंग और चाइल्ड लेबर फ्री नेशन बना के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का उद्देश्य रखना है जी। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।